नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, 10वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई हुई। निजी स्कूल संचालक पर मारपीट का आरोप लगा है। बस की सीट फट जाने पर छात्र को पीटा, परिजनों ने स्कूल संचालक के खिलाफ शिकायत की। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 10वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। निजी स्कूल संचालक पर मारपीट का आरोप लगा है। बस की सीट फट जाने पर छात्र की जमकर पिटाई की, जिसके बाद ये पूरा मामला बढ़ता चला जा रहा है। सुशांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुशांत, एक छात्र की पिटाई का ये पूरा मामला सामने आया है और वजह बताई जा रही है बस की सीट का फट जाना, क्या कुछ अपडेट देंगे? जी बिल्कुल, बादलपुर थाने के अंतर्गत की घटना है, जहां 10वीं का छात्र जो कि 10वीं में पढ़ रहा था, उसके स्कूल संचालक द्वारा छात्र को बेरहमी से पीटा गया है। और जैसा कि हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि छात्र को बहुत ही गंभीर रूप से पीठ पर गंभीर निशान आए हुए हैं, डंडे और लाठी के, बहुत बेरहमी से मारा गया है छात्र को। और बहुत छोटी बात पे, जैसे कि एक बस में जिस बस पे वो अपने घर जाया करता था, गलती से वो सीट वो फट गई थी बच्चे के द्वारा, बट संचालक द्वारा बच्चे को बहुत बेरहमी से मारा गया है। जैसे और इस चीज की सूचना जब बच्चा घर पहुंचा उसने अपने माँ बाप को दी और माँ बाप ने ये जानकारी पुलिस को दी और बादलपुर थाने में इसकी FIR दर्ज हुई है। और अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है पुलिस के संचालक के प्रति, लेकिन हमने पुलिस से जानकारी लेना चाहिए तब पता लगा, पुलिस उनसे बात करने का प्रयास कर रही है। जी तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।